शताब्दी जिसको कि हम अंग्रेजी में क्राइजेंथियम भी कहते हैं, ये एक बहुत ही उपयोगी फूल है। इसमें बहुत बहुत प्रकार के कलर हैं, रंग हैं और इसमें अनेक प्रकार हैं। पिछले एक दशक से लगभग इसमें 4-5 किस्में अभी और इसमें शामिल हुई हैं और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो किस्में हैं उनका भी मैं यहाँ पे नाम लेना चाहूँगा। पूसा सोना, पूसा अंत्योदय, पूसा अनमोल, पूसा केसरी और इसमें अभी हाल ही में पूसा सिंदूरी, पूसा सुंदरी, पूसा इसमें अभी एक हाल ही में पूसा लोहित, अभी दिल्ली सरकार में इसका प्रपोजल अभी अनुमोदित हुआ है। और इसके साथ साथ अभी आप देख रहे हैं कि और भी भिन्न भिन्न प्रकार की किस्में यहाँ पे हैं और ये आप एक पूसा जो गुलदस्ता है ये भी आप देख रहे हैं, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि पौधे बिल्कुल सीधे रहते हैं। इस समय गुलदावदी फूल देता है और लगभग 15 जनवरी के बाद इसका फूल लगभग ख़त्म हो जाएगा। ये सर्दियों में फूल देने वाली प्रमुख फसल है और उत्तरी भारत में खास करके दिल्ली और दिल्ली के आसपास में इसकी यदि हम व्यावसायिक खेती करें तो ये किसानों के लिए बहुत ही उत्तम फसल है। यदि हम इसकी तुलना दूसरे फूलों से करते हैं तो काफ़ी हद तक किसान इसको, मध्यम दर्जे के जो किसान हैं वो इसको आसानी से उगा सकते हैं, क्योंकि सबसे ख़ास बात ये है कि इसको वेजिटेटिव मीन वानस्पतिक दृष्टि से इसको कटिंग के माध्यम से इसके नए पौधे तैयार किए जा सकते हैं और इसलिए इस पर बहुत खर्च नहीं आता। जैसे अभी फूल ख़त्म होगा उसके बाद इसमें सकर्स निकलेंगे, उन सकर्स को आप अलग करके या तो क्यारियों में लगा लें या फिर उसी खेत में रहने दें और जब जून का महीना आएगा तो उस समय आप मई जून के महीने में इसकी नई पौध तैयार कर सकते हैं। जो किसान इसकी ग्रीन हाउस में खेती करते हैं वो लगभग इसकी पूरे वर्ष भी खेती कर सकते हैं। ये एक शोर्डे प्लांट है, इसको अंधेरा ज़्यादा चाहिए होता है, इसको प्रकाश कम चाहिए, जबकि इसकी जो वनस्पति की वृद्धि है उसमें आप अधिक इसमें प्रकाश दे करके 11 घंटे इसको प्रकाश दे करके ग्रीन हाउस में, तो इसकी बड स्टेज पर जैसे ही ये पौधा पहुँचता है तो उस समय आप इसको ब्लैक पॉलीथीन से आप इसको ढक देते हैं और इसको शॉर्ट डे कंडीशन प्रोवाइड करके इससे आसानी से फूल ले सकते हैं। हमारे ग्रीन हाउस में भी काफ़ी प्रजातियां हैं जो कि स्नोबॉल वाइट है, स्नोबॉल येलो है, जामला है, थाइचिन क्वीन है, इनको बहुत ही आसानी से, पूसा केसरी है, इसको आसानी से उगाया जा सकता है। इसमें कई बार आपको पाउडरी मिल्डू देखने को मिलेगा, अल्टरनेरिया ब्लाइट की भी समस्या आपको देखने को मिलेगी, दीमक है, दीमक का भी प्रकोप कभी कभी आपको देखने को मिलेगा। तो इसकी जो रोपाई है वो लगभग अगस्त और सितंबर के महीने में की जाती है और दिसंबर के महीने में ये फूल दे करके अपना जीवन काल को पूरा करता है। लेकिन जो ग्रीन हाउस में हम खेती करते हैं उसमें आप एक बार फूल लेने के बाद यदि आप इसकी ऊपर से कटाई कर देते हैं तो रेट्यून क्रॉपिंग लेकर भी इससे दो फसलें ली जा सकती हैं। तो इसके प्रशिक्षण हेतु आप पूसा संस्थान में या अपने किसी कृषि विश्वविद्यालय में या अपने किसी भी कृषि विज्ञान केंद्र में आप अधिक जानकारी लेकर के इसकी खेती भली भांति से कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसको आप खास करके गमलों में भी उगा सकते हैं, छत पर उगा सकते हैं और यहाँ तक कि छोटे जो हैं आपके जो छोटे गमले हैं उसमें भी आप जो ड्वार्फ किस्में हैं खार करके जो पोट मम्स जिसको हम कहते हैं उसको भी गमले में उगा सकते हैं। जैसे मस्टर्ड है, सरसों है, सरसों में भी बहुत सारी हनी भी आती हैं और हनी भी विजिट करती हैं और वहाँ से नेक्टर लेके आसपास के आपके जितने भी उद्यान हैं उसमें पॉलिनेशन का काम करती हैं। दूसरी जो हमारी खाद्यान्न की फसलें हैं उसमें भी पॉलिनेशन का काम कर सकती हैं। इसी तरह से गुलदावदी भी एक ऐसा फूल है जिसमें नेक्टर काफ़ी मात्रा में होता है। आप ये सेंट्रल डिस्क इसमें देख रहे हैं, इसमें नेक्टर होता है और बहुत सारी हनी भी इस पर विजिट करती हैं और इससे नेक्टर लेकर के दूसरे पौधों पर जाती हैं। और यहाँ पे दिल्ली स्थित अनुसंधान परिषद में हमने यह काफ़ी इसमें विकसित की हैं जो किस्में, वो ओपन सीडलिंग से की हैं इसमें, क्योंकि बीज बनता है, हनी भी आती हैं और बहुत ही हेट्रोजाइगस मटेरियल इससे हमें प्राप्त होता है
और भिन्न भिन्न प्रकार के जो पॉपुलेशन है उसमें से आप कोई भी जो आपका वांछनीय रंग है उसको आप लेकर के उसको वेजिटेटिव मीन से आगे प्रोपोगेट करके टिश्यू कल्चर से भी इसके पौधे तैयार किए जा सकते हैं। तो अधिक जानकारी के लिए आप हमारे भूदृश्य संभाग जो कि पुष्प एवं भूदृश्य संभाग फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग डिवीज़न @IRI पूसा संस्थान में आकर के इसकी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।